वार्षिक निरीक्षण दौरे पर नागपुर आए मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि नागपुर मंडल के तहत इटारसी नागपुर बल्लारशाह के बीच 505 किलोमीटर के सेक्शन में ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाई जा सकेगी। यह जानकारी मध्य रेल मुंबई के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने मंगलवार को दी। वे अपने वार्षिक निरीक्षण दौरे पर नागपुर आए थे। उन्होंने आमला से नागपुर के बीच आमला मुलताई और पांडुना सेक्शन का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस सेक्शन में एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें 110 और राजधानी दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। हालांकि अब सभी ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक अपडेशन से लेकर मेंटेनेंस तक सारे काम कर लिए गए हैं। साथ ही CRS और RDS की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है। बुधवार को इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल केवल LHB कोच वाली यात्री ट्रेनें ही इस गति से दौड़ाई जा सकेगी। इससे ट्रेनों का टाइम टेबल में बदलाव आएगा, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए फिलहाल गति के बावजूद ट्रेनें पुराने टाइम टेबल से ही चलेगी। कोविड काल के बाद ट्रेनों के स्टॉपेज में की गई भारी कटौती समाप्त करके कुछ प्रमुख स्टेशनों पर दोबारा ट्रेनों को रोकने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह बोर्ड तय करेगा। काफी सघन रिव्यू के बाद स्टॉपेज कटौती का निर्णय लिया गया था। ये वे स्टॉपेज है जहां से रेलवे को निर्धारित क्षमता से भी कम यात्री मिलते थे। इससे रेलवे की आय कम और खर्च ज्यादा हो रहा था। ऐसे में ट्रेनों के स्टॉपेज कम या अधिक करने का निर्णय रेलवे बोर्ड लेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रॉडगेज मेट्रो के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे पास DPR हमें मिल चुका है। स्टडी करने के बाद हमसे जुड़े कामों और चिंताओं की सूची रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई। अब गेंद बोर्ड के पाले में है। बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद ही इस और काम शुरू किया जा सकेगा। नागपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि यह काम IRSDC को दिया गया था, लेकिन अब IRSDC को बंद करने नई कंपनी को काम सौंपा गया। कोविड के बाद 93% ट्रेनें दोबारा शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कई छोटे स्टेशनों पर स्टॉपेज समाप्त किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ स्टेशनों को दोबारा स्टॉपेज दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बोर्ड ने रिव्यू में पाया कि कई हॉल्ट ऐसे हैं जहां औसत से भी कम यात्री मिलते हैं। इससे रेलवे पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। हालांकि भविष्य में रिव्यू के आधार पर दोबारा हॉल्ट शुरू करने को लेकर रिव्यू किया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय बोर्ड के हाथ ही रहेगा। 68.56 मिलियन टन का माल लदान किया है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25% अधिक है। इसमें नागपुर मंडल का योगदान उल्लेखनीय है। मध्य रेल के 68.56 मिलियन टन में 39.88 मिलियन टन का लदान नागपुर मंडल से ही प्राप्त हुआ है, जो मध्य रेल के कुल लदान का 58% है। मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अप्रैल से 16 मार्च तक नागपुर मंडल ने फ्रेट रेवेन्यू में 4,000 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है, जो इस अवधि में प्राप्त आय अभी तक का पिछले सभी वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है और एक रिकॉर्ड है। मध्य रेलवे पार्सल यातायात को बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयासशील है और अप्रैल से फरवरी 2022 के दौरान पार्सल यातायात से मध्य रेल द्वारा लगभग 290 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई, जो कि सभी क्षेत्रीय रेलों में सर्वाधिक है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।